हेलो दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड की ओडीआई सीरीज के लिए भारतीय टीम हुई घोषित। तो बताएगी आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करें। आपको बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 सीरीज समाप्त हो चुकी है। इस सीरीज पर टीम इंडिया ने 1-0 से कब्जा किया है। अब 25 नवम्बर से वनडे सीरीज की शुरुआत होगी। भारतीय टीम वनडे में नए कप्तान के साथ मैदान पर उतरेगी। शिखर धवन वनडे सीरीज के लिए कप्तानी करेंगे। वनडे सीरीज के लिए 20 सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया गया है। T20 सीरीज पर कब्जा जमाने के बाद अब टीम इंडिया वनडे सीरीज को भी अपने नाम करना चाहेगी। यह तीनों ही मुकाबले भारतीय समय के अनुसार सुबह 7 बजे खेले जाएंगे। भारत और न्यूजीलैंड वनडे सीरीज शेड्यूल इस प्रकार है। पहला मैच वनडे 25 नवम्बर को खेला जाएगा, वही दूसरा वनडे मैच 27 नवम्बर को, तीसरा वनडे मैच 30 नवम्बर को खेला जाएगा। न्यूजीलैंड दौरे के लिए भारतीय वनडे टीम का स्क्वाड इस प्रकार है। शिखर धवन कप्तान है, वही ऋषभ पंत उप कप्तान है। तीसरे नंबर पर है शुभमन गिल, चौथे नंबर पर दीपक हुड्डा, पांचवें नंबर पर श्रेयस अय्यर, छठे नंबर पर सूर्य कुमार यादव, सातवें नंबर पर संजू सैमसन, आठवें नंबर पर युजवेंद्र चहल, नौवें नंबर पर कुलदीप यादव, दसवें नंबर पर शाहबाज अहमद, ग्यारहवें नंबर पर वाशिंगटन सुंदर, बारहवें नंबर पर उमरान मलिक, 13वें नंबर पर कुलदीप सैन, 14वें नंबर पर अजदीप सिंह, सादुल ठाकुर, वहीं इस 16वें नंबर पर दीपक चहर शामिल है। इसी तरह से क्रिकेट की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब